पार्षदों में नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ जारी हुआ अविश्वास प्रस्ताव। बागबाहरा नगर पालिका में 15 में से 10 पार्षदों कलेक्ट्रेट के सामने पेश किया अविश्वास प्रस्ताव। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश में मादक पदार्थों तस्करों पर हुई कार्यवाही। तस्करों से लाखों का गांजा किया गया बरामद। पुनर्वास योजना घर वापस आई है, इसे प्रभावित हर 10 नक्सलियों ने किया। सिंघोड़ा थाना प्रभारी के केशव राम कोसले ने आभूषण तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से लाखों के आभूषण और नकदी की बरामदगी की गई। छेड़छाड़ करने वाला अधेड़ व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। युवती को अकेला पाकर की छेड़छाड़। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर 10 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों को आत्मसमर्पण किया है। सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने बताया कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा से संबंधित सक्रिय नक्सली क्षेत्रों की विभिन्न ग्राम पंचायतों में घर वापस आइए अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत 149 इनामी समेत कुल 551 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़े। इस दौरान डीआईजी कमलोचन कश्यप, डीआईजी सीआरपीएफ विनय कुमार, एसपी दंतेवाड़ा सिद्धार्थ तिवारी, सीआरपीएफ के अधिकार उपस्थित थे। सिंघोड़ा थाना प्रभारी केशव राम कोसले, साइबर सेल प्रभारी नसीमुद्दीन की टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट रेहटी खोल के पास से रेनाल्ड कार सवार 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चांदी के आभूषण करीब 12 किलो 670 ग्राम, एक कार और नकदी बरामद हुई है। पुलिस ने अधिकारियों को बताया कि सूचना मिली थी कि उड़ीसा में आ रही वाहन में भारी मात्रा में चांदी नकदी लेकर तस्कर महासमुंद जा रहे हैं। उन्होंने सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बरामद आभूषण और नकदी का तस्करों के पास कोई दस्तावेज नहीं है। थाना सिंघोड़ा में रेटी खोल चेक पोस्ट लगा है जिसमें परमानेंट चेकिंग की जाती है, परंतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था कि उड़ीसा से सोने चांदी का अवैध तस्करी होता है, जिसके संबंध में चेकिंग की जा रही थी, जिसमें उड़ीसा सोनपुर से आने वाली गाड़ी ओडी 33 AF 3370 में 12.60 kg इस्तेमाली चांदी मिला, जिसका मूल्य 3,60,000 और जब्त कार कीमत 5 लाख रुपए है। पुलिस द्वारा कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया। पटेवा थाना खलाड़ी थाना पुलिस ने चिटफंड कंपनी साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड और बीएन गोल्ड फर्म के निदेशक गोपाल दास और धीरेन्द्र बघेल को वारंट जारी कर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित चंद्रशेखर देवांगन ने पटेवा थाना में बीएन गोल्ड रियल इस्टेट कंपनी के डायरेक्टरों पर 5 साल में दोगुना राशि करने का झांसा देकर 3,87,200 रुपए लेकर फरार हो रहे। और पीड़ित कुलेश्वर साहू ने खल्लारी थाना में साई प्रकाश प्रॉपर्टीज डेवलपमेंट लिमिटेड के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस अधिकारियों ने दोनों मुकदमे में संज्ञान लेकर कंपनी के निदेशकों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। बागबाहरा नगर पालिका पर्षदों ने नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन किया है। 15 में से 10 पार्षदों ने कलेक्ट्रेट को अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन किया है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए भाजपा कांग्रेस समेत निर्दलीय 10 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन लगाया था। कांग्रेस के 4 पार्षद अविश्वास प्रस्ताव में नहीं पहुंचे। भाजपा और निर्दलीय मिलाकर 7 पार्षद ही उपस्थित रहे। अविश्वास प्रस्ताव के कोरम पूरा करने के लिए 8 पार्षदों का होना अनिवार्य है। एक पार्षद अनुपस्थित रहने पर भाजपा के दीपक यादव की उपाध्यक्ष की कुर्सी सुरक्षित हो गई। वहीं कांग्रेस के पर्यवेक्षक कन्हैया अग्रवाल, कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति नहीं होने पर कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। जो पार्षद आज मतदान के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं,
उनको इस संबंध में जानकारी लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा उनको हम जानकारी देंगे और वहाँ से जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो जरूर होगी, क्योंकि पार्षदों ने जब अविश्वास प्रस्ताव लाया था तो उनको यहाँ उपस्थित होना था, नहीं हुए हैं, लगातार संपर्क का प्रयास हुआ है, उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। पूरी जानकारी यहाँ जो दो दिन की गतिविधि है उससे हम प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराएंगे, अध्यक्ष जी इस पर जो आवश्यक निर्णय होगा वो करेंगे। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर महासमुंद जनपद के थाना प्रभारियों को बालिकाओं के साथ हो रहे छेड़छाड़ शोषण के खिलाफ तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी हुए हैं। इसी क्रम थाना सरायपाली के प्रभारी आशीष वासनिक ने 23 जनवरी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की और छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती ने पड़ोस के ही एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया था। पीड़िता ने बताया कि दीदी के साथ नहाकर घर आई थी, दीदी ने पड़ोस के तिमोथी अंकल के घर भेजा जहां उन्होंने जबरदस्ती करने की नीयत से छेड़छाड़ की थी। थाना प्रभारी आशीष वासनिक ने बताया कि आरोपी ने अपराध कबूल किया है। ये पतेरा पाली की घटना है, आरोपी तिमोथी रणवीरा ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था। प्रार्थिया थाने आई, उसकी तत्काल रिपोर्ट लिखी गई और रिपोर्ट लिखने के आधे घंटे के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाए हैं और आज उसको जुडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायालय भेज। एसडीएम हेमंत रमेश नंदवार नगर पालिका सरायपाली के सीएमओ अशोक शर्मा की टीम ने साप्ताहिक मवेशी और बकरी बाजार का औचक निरीक्षण किया और बाजार को तत्काल बंद करने के साथ ही मवेशियों बकरियों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि लंपी वायरस के बाद 12 अगस्त 2020 को कलेक्ट्रेट ने आदेश जारी कर मवेशी और बकरी बाजार पर प्रतिबंध लगाया था, बावजूद इसके बड़ी संख्या में मवेशियों का व्यापार किया जा रहा था। एसडीएम सीएमओ नगर पालिका ने संबंधित ठेकेदार को निर्देश जारी कर कहा कि आगामी आदेश तक मवेशी और बकरी बाजार का संचालन नहीं किया जाएगा, आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिवत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ठेकेदार इश्तियाक मेमन ने कहा कि नगर पालिका से अनुबंध के आधार पर ठेका लिया है जिसमें मवेशी और बकरी बाजार को संचालित करने की अनुमति दी गई है और नगर पालिका के निर्धारित शुल्क पर बाजार में मवेशियों की खरीदी बिक्री हो रही है। उन्होंने बताया कि बाजार बंद होने से काफी नुकसान होगा, प्रशासन नगर पालिका ने पूर्व में कोई नोटिस जारी नहीं की है, ठेकेदार एकत्र होकर नगर पालिका में अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। एसडीएम साहब और नगर पालिका के अधिकारी और पटवारी महोदय आए थे साथ में, उनका कहना है कि आपको बाजार लगाने की अनुमति नहीं है। कौन सा बाजार? मवेशी बाजार, बकरा बाजार, जबकि हमको विधिवत नगर पालिका द्वारा बकरा बेचने संपूर्ण मवेशी बेचने का अधिकार है। हमने दस्तावेज पेश किया पर उन्होंने कहा कि महासमुंद जिला में बंद है, जबकि अवैध रूप से हमको कोई किसी प्रकार का नोटिस दिया गया नहीं है, हमारा पूर्ण रूप से वैध ठेका है। उन्होंने बताया लेकिन उन्होंने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया बाजार बंद करने का, ना ही मुझे एसडीएम या कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई नोटिस दिया गया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने उड़ीसा समेत अन्य राज्यों से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोक के लिए चेक पॉइंट लगाकर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी क्रम में बसना थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने मुखबरी की सूचना के आधार पर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर प्रदेश जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार पर स्कूल चौक के पास गिरफ्तार की गई है। आरोपियों के पास से 26 किलोग्राम गांजा, मोबाइल फोन, 25,000 रुपए नकदी बरामद हुई है। पुलिस अधिकारियों ने आरोपी की पहचान सतीन कुमार पटेल दुर्ग जिला निवासी के रूप में की है। थाना प्रभारी ने धारा 20 ख एनडीपीसीए के तहत मुकदमा दर्ज किया है। में गांजा तस्करी या अवैध शराब तस्करी की सूचना लगातार आ रही है, उसके लिए हम लोग बीच बीच में और स्कूल के आसपास पे वाहन चेकिंग लगाते हैं। उसी दौरान एक वाहन आई जो रोक के उसे तलाशी लिए तो उसमें 26 किलो गांजा बोनट में रखे हुए थे। ये जो आरोपी था वो सत्येंद्र पटेल मोतीपुर टिकैत यूपी का रहने वाला है, उसके पास से 26 किलो गांजा कीमती लगभग 5,20,000 का और एक स्विफ्ट डिजायर कार CG020 12K2802 उसमें से बरामद करके विधिवत कार्रवाई करके आरोपी को रिमांड। मैडम, आरोपी के खिलाफ किन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई? 20 NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई है।
गणतंत्र दिवस के अवसर पर तखत पूर्व विधायक संसदीय सचिव रशीम आशीष सिंह के ध्वजारोहण कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। जिलाधिकारी विजय दयाराम के जिला पंचायत सीईओ रीना जमील, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर बलरामपुर पुलिस ग्राउंड का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली अनियमितताओं के त्वरित निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं और ध्वजारोहण कार्यक्रम में उपस्थित होने की जानकारी दी है। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।